ऐसी घटना जिसे हर कोई अपनी आंखों में कैद करना चाहता है, ऐसी घटना जिसे पूरी दुनिया देखने को बेताब है, ऐसा नजारा जो दो या तीन साल में एक बार देखने को मिलता है, ऐसा नजारा जो कई सालों तक दोबारा देखने को नहीं मिल पाएगा। हम बात कर रहे हैं आज 30 अगस्त को निकलने वाले ब्लू मून के बारे में। अगर आप भी चांद देखने के शौकीन हैं तो एक खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज 30 अगस्त को आसमान में ब्लू सुपर मून नजर आने वाला है। ब्लू सुपर मून इस साल अब तक दिखाई देने वाला तीसरा सबसे बड़ा चांद होगा। आज 30 अगस्त को चांद का साइज रोजाना की तुलना में 7% बड़ा और 16% अधिक चमकीला दिखाई देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं हूं आपके साथ सद्दिका मनोहर सोनी। सबसे पहले आपको बताते हैं हर दो या तीन साल में क्यों होता है ब्लू मून। चंद्रमा 29.53 दिन में पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाता है। एक साल में 365 दिन होते हैं। इस हिसाब से चांद एक साल में पृथ्वी के 12.27 चक्कर लगाता है। पृथ्वी पर एक साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने एक पूर्णिमा होती है। इस तरह हर कैलेंडर ईयर में चांद के पृथ्वी की 12 बार पूर्ण परिक्रमा करने के बाद भी 11 दिन ज्यादा होते हैं, और हर साल इन अतिरिक्त दिनों को जोड़ा जाए तो 2 साल में यह संख्या 22 और 3 साल में 33 होती है। इसी वजह से हर 2 या 3 साल में एक स्थिति बनती है जिसमें एक अतिरिक्त पूर्णिमा पड़ती है। इसी स्थिति को ब्लू मून कहा जाता है। आज 30 अगस्त को निकलने वाला ब्लू मून साल का सबसे बड़ा और सबसे चमकीला चांद होगा। अब आपको बताते हैं कि क्या आज नजर आएगा नीले रंग का चंद्रमा। ब्लू का मतलब यह नहीं है कि चांद नीला नजर आएगा, लेकिन कभी कभी वायुमंडलीय घटनाओं के कारण चांद का रंग नीला दिख सकता है। हालांकि हर ब्लू मून नीला नजर आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के साथ बातचीत में साइंटिस्ट मार्टिन मैगलन ने बताया कि जो रोशनी हम देखते हैं वह सूरज से परिवर्तित सफेद रोशनी होती है। इसीलिए अगर रास्ते में कोई चीज हो जो लाल रोशनी को रोकती है तो कभी कभी चांद नीला भी दिखाई दे सकता है, लेकिन ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद ही हो सकता है। अब बात करते हैं कि ब्लू मून देखने का सबसे अच्छा समय क्या है। सूरज ढलने के तुरंत बाद ब्लू मून देखने की सलाह दी जाती है। उस वक्त ये बेहद खूबसूरत दिखता है। 30 अगस्त की रात को 8:37 पर ब्लू मून सबसे ज्यादा चमकदार होगा। हालांकि जिस समय ब्लू मून निकलेगा उस दौरान भारत में दिन का समय होगा या अमेरिका में दिखेगा, इसीलिए भारतीय अपने फोन पर ब्लू मून को अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। यह नजारा वाकई में काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि चांद का दीदार करने के लिए आपको 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद 3 साल बाद 2026 में ब्लू मून देखा जा सकेगा। आपको बता दें, ऐसी घटना साल 2018 में देखने को मिली थी। हालांकि ऐसा संयोग कई सालों में एक बार होता है कि एक महीने में 2 बार पूर्णिमा पड़े। ऐसे में अगर आप इस बार इसे देखने से चूक गए तो अगली बार इसे देखने के लिए लगभग आपको 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगला ब्लू मून 31 मई 2026 में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये खगोलीय घटना इस बार ऐसे समय में होने जा रही है जब भारत का मिशन चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है। ऐसे में इस बार का ब्लू मून भारतवासियों के लिए और भी ज्यादा खास होने वाला है। नमस्कार।